सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की वजह से ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट खत्म हो चुका था, पर जियोयान के कमजोर होने की वजह से वह अपने फायर लोटस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो लोटस तेजी से जियानान एकेडमी की तरफ बढ़ रहा था। उस लोटस की एनर्जी काफी ज्यादा थी जिससे वहाँ आस पास की चीजें तबाह होने लग गई थी। सभी स्टूडेंट भागकर वहाँ से निकल रहे थे। जियोयान जानता था कि अगर लोटस एकेडमी से टकरा गया तो पूरी एकेडमी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस लोटस को रोकने की कोशिश की थी, पर उसे रोक नहीं पा रहा था। तभी एकेडमी के गार्डियन एडर कियान और एडर भाई वहां गए थे, जिन्होंने अपनी पावर से उस लोटस को स्पेस में भेज दिया था। वो दोनों 9 स्टार फाइट एस्टर थे। उन्हें पता था कि ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट अभी भी मरा नहीं है, क्योंकि वो वॉइड पोर्टल के थ्रू स्पेस में चला गया था। एडर भाई उसे वापस वहाँ लेकर आ गए थे। ओल्ड ग्राउंड मन गोश उनसे बच नहीं सकता था, इसीलिए उसने भागने की कोशिश की थी, पर एल्डर भाई ने उसे मार दिया था। जियोयान ने ओल्ड ग्राउंड डीमन गोश की बॉडी को अपने पास ले लिया था। एल्डर सुकियान ने दोनों एल्डर से रिक्वेस्ट की थी कि वो जियोयान के पॉइजन स्पॉट को ठीक करने में उसकी मदद करे, पर वो दोनों फाइट वेनरेट नहीं थे, इसीलिए जियोयान की कोई भी मदद नहीं कर पाए थे। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान अपने बोल्डर सेक्ट में होता है। वो अपने रूम से निकलकर आता है। जियोयान काफी परेशान था। वो सोच रहा था कि उन दोनों गार्डियन की पावर काफी ज्यादा थी, पर फिर भी वो मेरे पॉइजन स्पॉट को हटाने में मेरी मदद नहीं कर पाए, इसीलिए मुझे जल्दी 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करना होगा। पर अभी भी मेरे लिए जियोयान एकेडमी से निकलना खतरनाक है। भले ही मेरे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की पावर काफी भयानक है, जिससे मैं एक पीक फायर टेस्टर को भी घायल कर सकता हूँ, पर अभी भी मैंने इस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को बनाने में महारत हासिल नहीं की है। हालांकि इसे मेरे लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि मैं इसे बनाने के बाद इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो दोनों गार्डियन मदद करने नहीं आए होते तो मुझे डर है कि इस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस से मैं घायल हो सकता था। और उसे गुस्सा आता है कि वो अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। वो कहता है कि मुझे सबसे तेज और मोस्ट रिलायबल मेथड की मदद से मेरी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने की है। इस तरह से फ्यूचर में मेरे लिए सेंट्रल प्लेन्स की यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित होगा। उसे याद आता है कि उसके पास 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक है, जो उसके भाई ने ऑक्शन में से खरीदी थी। वो उसकी मदद से अपने एक और ट्रम्प कार्ड को बढ़ा सकता है। वो उस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर के स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है और उसकी एनर्जी को फील करता है, जिससे वो उस फ्लोइंग रूलर के स्पेस में पहुंच जाता है। वहाँ फायर से एक बॉडी बन जाती है। जियोयान कहता है कि स्क्रॉल क्रिएटर का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट होना चाहिए। वो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट अपने रूलर से बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल करके जियोयान पर अटैक करने लगता है। जियोयान उसके सभी अटैक से बचता है और उस स्क्रॉल इल्यूजन से बाहर निकल आता है। वो कहता है कि वास्तव में अर्थ लेवल यानी डी क्लास के मिडिल लेवल की फाइट टेक्निक है, जिसकी वजह से इसमें स्क्रॉल क्रिएशन का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट अभी भी बचा हुआ है। वो उस स्क्रॉल को वापस अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और सोचता है कि यह टेक्निक मेरी पूरी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकती है, पर इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे एक्सट्रीमली प्योर फायर एट्रीब्यूशन एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसीलिए इनर एकेडमी का ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर इस टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए परफेक्ट रहेगा। और वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि आसानी से ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में प्रवेश कर सकता था। फिर अब हम अगले दिन ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर का सीन देखते हैं, जहाँ एल्डर सुकियान जियोयान को एक पोर्ट दिखाकर बताते हैं कि ऑब्जेक्ट फायर गैदरिंग पोर्ट है। जब तुम इसमें फॉलन आर्ट फ्लेम के एसेंस का एक थ्रेड इंजेक्ट करोगे और इसे अपने डूक्यू के साथ एक्टिवेट करो, तो ये लगातार कई सालों तक फॉलन आर्ट फ्लेम को उत्पन्न कर सकता है, जिससे सभी स्टूडेंट इस ब्लेजिंग स्काई क्यू रिफाइनिंग टावर में आसानी से ट्रेनिंग ले पाएंगे। जियोयान कहता है कि यह काफी वंडरफुल है और वो उस फायर गैदरिंग पोर्ट को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और एल्डर सुकियान से कहता है कि मैं टावर में प्रवेश करने के बाद फॉलन आर्ट फ्लेम के एसेंस का एक छोटा सा हिस्सा इस पोर्ट में इंजेक्ट कर दूंगा। एल्डर सुकियान कहते हैं कि फॉलन आर्ट फ्लेम के एसेंस के एक छोटे से हिस्से को विभाजित करने से डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी को काफी हार्म पहुंचेगा, इसीलिए तुम्हें अंदर जाने से पहले इस मैटर के बारे में केयरफुली सोचना चाहिए। जियोयान विनम्रतापूर्वक उन्हें कहता है कि यह फॉलन आर्ट फ्लेम मूल रूप से इनर एकेडमी की थी। मैं इसे फॉलन आर्ट फ्लेम
फेम को रिफाइन करके पहले ही एकेडमी को एक बहुत बड़ा लॉस पहुंचा चुका हूं, इसीलिए इस ब्लेजिंग स्काई के रिफाइनिंग टावर को फिर से रिग्नाइट करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। एडस सुकियान इससे खुश होते हैं और अब वो टावर के अंदर की तरफ जाने लगते हैं और जियोयान से कहते हैं कि फालेनार्ड फ्लेम के बिना ये क्यों रिफाइनिंग टावर पहले की तरह लाइवली नहीं रहा है और ये अब एक नॉर्मल टावर बन चुका है। जियोयान कहता है कि फर्स्ट एल्डर आप निश्चित रहे, मैं ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिंग टावर में फालेनार्ड फ्लेम को रिवाइव करने की पूरी कोशिश करूंगा। एल्डर सुकियान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम अपने वादे के पक्के हो और तुम अपना बेस्ट ट्राई करोगे, पर मुझे इस बार तुम्हारी कल्टीवेशन की बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि इस टावर के नीचे मौजूद मेंगबा वर्ल्ड इतना ज्यादा शांतिपूर्ण यानी पीसफुल नहीं है जितनी तुम कल्पना कर रहे हो। अभी तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से तुम्हें अपनी क्षमताओं के भीतर ही इस टावर के अंदर काम करना होगा, इसीलिए तुम अंदर कोई भी परेशानी मोल मत लेना और टावर को इग्नाइट करने में जल्दबाजी मत करना। जियोयान उनकी बात समझ जाता है और कहता है कि मैं आपकी बातों को याद रखूंगा और लापरवाही से काम नहीं लूंगा। एल्डर सुकियान हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह काफी अच्छा होगा, अब तुम्हें मेरे पीछे आना होगा, मैं तुम्हें क्यूरिफाइनिंग टावर के सबसे निचले फ्लोर पर लेकर जाऊंगा जहाँ से तुम नीचे मेगमा वर्ल्ड में जा सकते हो। अब वो उस रूम के बाहर आ जाते हैं जहाँ से जियोयान अंडरवर्ल्ड में जा सकता था। एल्डर सुकियान अपनी पावर से गेट को खोल देते हैं। उनके गेट खोलते ही अंदर से तेज एनर्जी निकलती है। वो जियोयान को बताते हैं कि यह जगह काफी ऊपर है पर फिर भी यहाँ फायर एट्रीब्यूट एनर्जी काफी तीव्र है और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता कि वो मेगमा वर्ल्ड कितना ज्यादा भयानक होगा जिससे तुम्हें वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या तुम अभी भी वहाँ नीचे जाकर कल्टीवेशन करना चाहते हो। जियोयान कहता है कि आपको मेरी परवाह है, इस बात की मुझे खुशी है, पर आप निश्चित रहे मेरे पास ओनली फ्लेम है और कोई भी ऑर्डिनरी फ्लेम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसीलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे इस फायर एट्रीब्यूट एनर्जी की काफी ज्यादा आवश्यकता है, इसकी मदद से ही मैं 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एल्डर सुकियान कहते हैं कि तुम वाकई काफी सनकी हो। और अब वो उस रूम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ मेगमा वर्ल्ड में जाने की टनल थी जिसे एक बैरियर से कवर करके रखा हुआ था। जियोयान सोचता है कि मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ, यहाँ के फायर एट्रीब्यूट एनर्जी पहले की तरह ही काफी रिच है। मुझे यकीन है कि यहाँ कुछ देर तक कल्टीवेशन करने के बाद मेरी ताकत काफी इम्प्रूव हो जाएगी। एल्डर सुकियान बोलते हैं कि तुम्हारे पास मेगमा वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेशन करने का आत्मविश्वास है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर अंदर कुछ भी गलत हो तो तुम मुझे बस एक सिग्नल सेंड कर देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए उस मेगमा वर्ल्ड में आ जाऊंगा। जियोयान इसके लिए उन्हें थैंक्स कहता है और बोलता है कि मैं इस बात को याद रखूंगा। एल्डर सुकियान अब अपनी पावर से उस बैरियर को ओपन करने लगते हैं जिससे तेज फायर एनर्जी निकलती है। वो बैरियर को पूरा नहीं खोल सकते थे, इसीलिए वो जियोयान को तेजी से अंदर जाने को कहते हैं। जियोयान अपनी ग्लेज लोटस फ्लेम को एक्टिवेट करके उस टनल में छलांग लगा देता है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ अजीब सा फील हो रहा है जैसे बेवजह कोई मुझे बुला रहा हो। हो सकता है कि यहाँ मेगमा वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो जो मुझसे रिलेटेड हो। जियोयान अब मेगमा वर्ल्ड के सेंटर में आ जाता है। उसने अपने बोन विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। जियोयान उस पूरी जगह को देखने लगता है। वो पूरी जगह मेगमा से भरी हुई थी। वो सोचता है कि मेगमा वर्ल्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसा सालों पहले था जब मैंने फालेनार्ड फ्लेम को रिफाइन किया था। यहाँ जीवन का कोई भी निशान नहीं है और हर जगह सिर्फ खामोशी है और मुझे हर जगह सेपरेशन की भावना का एहसास हो रहा है। जियोयान अब वहाँ एक जगह पर बैठ जाता है और वो बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक के स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है जिसकी वो प्रैक्टिस करने लगता है। 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर की मदद से एक साथ अटैक और डिफेंस दोनों किए जा सकते थे, यानी वो किसी के हमलों को रोक कर वापस अटैक कर सकता था। और इस बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को 3 लेवल में डिवाइड किया गया था, पहली ब्लेजिंग फायर, दूसरी बॉडी फ्लोइंग फायर और तीसरी 6 जॉइंट फायर लेवल थी। अगर कोई इंसान सही समय पर कड़ी मेहनत करता है तो कोई भी इंसान इस रूलर टेक्निक की मदद से एक साथ हमला करने और बचाव करने की क्षमता में महारत हासिल कर सकता है। और इस टेक्निक की मदद से अब जियोयान अपनी लेवल से भी ज्यादा लेवल के पेटिशनर का आसानी से सामना कर सकता था। मेगमा वर्ल्ड की एनर्जी काफी ज्यादा ओवर बेयरिंग थी, इसीलिए जियोयान एक पिल को खा लेता है ताकि वो अच्छे से उस एनर्जी की मदद से रूलर टेक्निक की प्रैक्टिस कर सके। काफी देर तक प्रैक्टिस करने की वजह से जियोयान उस रूलर टेक्निक की फर्स्ट ब्लेजिंग फायर
लेवल को काफी हद तक सीख जाता है, जिससे वो अपने रूलर से तेज अटैक करने लगता है, जिससे वहाँ चारों तरफ मेघमा में लहरें बनने लगती है। जियोयान उन लहरों को अपनी रूलर टेक्निक से काट रहा था, पर तभी जियोयान को अपनी बॉडी में फाले नॉट फ्लेम की वजह से अजीब सा एहसास होने लगता है, जिससे वो मेघमा की उस लहर पर अटैक नहीं कर पाता, पर वो अपने बोन विंग्स की मदद से दूर हो जाता है। पर तभी एक और बड़ी लहर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, पर जियोयान अपने रूलर से उस पर काफी सारे अटैक करता है, और अब वो अपनी सिक्स जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक की फर्स्ट लेवल ब्लेजिंग फायर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका रूलर ग्लो करने लगता है, और वो एक साथ उस मेघमा की लहर पर कई सारे अटैक करके उसे खत्म कर देता है। जियोयान काफी देर प्रैक्टिस करने की वजह से काफी थक चुका था, पर वो खुश होता है कि उसने इतने देर कोशिश करने के बाद जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को रिफाइन कर लिया, और वो कहता है कि हालांकि मैं अभी भी इस रूलर टेक्निक को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, पर इसकी कुछ प्रोग्रेस से ही मेरी पावर काफी इम्प्रूव हुई है। पर तभी उसके सीने में वापस से फाले नॉट फ्लेम की वजह से दर्द होने लगता है। जियोयान को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, जिससे वो ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।